तो हेलो फ्रेंड्स, अंतरा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबकी फेवरेट सोयाबीन की सब्जी लेके आई हूँ, जिसको मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाना बताया है। मैंने इसको मैरिनेट करके बनाया है। खाने में सुपर टेस्टी है और बनाने में सुपर ईजी है। हमने इसको घर के बेसिक मसालों से बनाया है, जो भी आपके किचन में है ये बस उसी से बन जाएगा। बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखने में ये इतना यम्मी लग रहा है, यकीन मानिए बनाने में बहुत ईजी है। अगर आपका सब्जी खाने का मन कर रहा है कुछ बढ़िया सी और घर में कोई सब्जी नहीं पड़ी है, तो आप ये ट्राई कर लीजिएगा। आई एम डैम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप सोया चंक्स। मैंने यहाँ न्यूट्रेला का सोया चंक्स लिया है। अगर आप ग्राम्स में देखें तो ये टोटल 100 ग्राम लिया है मैंने। मैंने यहाँ न्यूट्रेला का लिया है। आपको जो भी ब्रांड पसंद है आप वो ले सकते हैं। ये खाने में सुपर टेस्टी और सुपर सॉफ्ट होते हैं, इसलिए मैंने न्यूट्रेला का लिया। मैंने एक भगोने में पहले ही पानी गर्म होने चढ़ा दिया था। पानी अच्छे से गर्म हो गया, मैंने खोलते हुए पानी में डाल दिए हैं सारे सोयाबीन। और 2 से 3 मिनट में हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको पकने देंगे। सोयाबीन हमारे 2 से 3 मिनट में अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें सोयाबीन को एकदम अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। और आप देख सकते हैं मैंने गैस का फ्लेम यहाँ कर दिया है बंद, और सोयाबीन भी इतने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब क्या करना है, अब हमें इनको निकाल लेना है। इनको बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना है, बस अब हमें इनको निकाल लेना है एक दूसरे बॉल में। मैंने सारे सोयाबीन को दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और जब हमारे सोयाबीन अच्छे से ठंडे हो गए हैं, ध्यान रखिएगा जब सोयाबीन अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तभी आप इनको निचोड़ना, नहीं तो जो उनमें अंदर पानी रहेगा गर्म, तो फिर उससे आपके हाथ भी जल सकते हैं। तो सोयाबीन को आप निचोड़ के एक दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। मैंने सारे सोयाबीन अच्छे से निचोड़ लिए हैं और इनको एक दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हमें करना क्या है, यहाँ मैंने ले लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाला है 3 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल। आपको जो ऑयल पसंद हो आप वो डाल सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, कुकिंग ऑयल में जो भी आपको पसंद हो वो भी आप डाल सकते हैं। और डाल दिया यहाँ पे सोयाबीन। सोयाबीन को हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमें इनका बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इनको फ्राई करना है, जिससे इन पर एक गोल्डन परत बन जाए हल्की सी, बहुत डार्क नहीं करना है। तो इनको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया परफेक्ट कलर आ चुका है, सोयाबीन हमारे परफेक्ट हो चुके हैं। बस इतना भर तक हमें इनको फ्राई करना था। तुरंत हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद फिर हम सोयाबीन को कर लेंगे अच्छे से ठंडा, क्योंकि हमें जो आगे का प्रोसेस करना है वो सोयाबीन को ठंडा होने के बाद ही करना है। गर्म में क्यों नहीं करना ये मैं आपको आगे बता दूंगी। तो सोयाबीन यहाँ हमारे अच्छे से ठंडे हो गए, आप देख सकते हैं मैं आपको पकड़ के दिखा रही हूँ। तो मैंने इनको फटाफट से एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है और यहाँ ऐड कर देंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, और मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलरिंग के लिए। और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। और अब मैंने ऐड किया है यहाँ तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही ऐड कर दिया है नमक। नमक ऐड करने के बाद मैंने यहाँ ऐड कर दिया 1 बड़ा चम्मच भर के कुटा हुआ लहसुन। लहसुन पहले मैंने अच्छे से कूट लिया था। और मैंने ये ले लिया है 150 ग्राम दही। यहाँ पे मैंने एकदम नॉर्मल दही लिया है, जो कि बिल्कुल खट्टा नहीं, फ्रेश दही लिया है मैंने घर का जमाया हुआ, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। और दही हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। मैंने अभी सारा दही ऐड नहीं किया है, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड करते जाएंगे। तो जो दही बच गया था उसको भी अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि सोयाबीन को हमें अच्छे से मैरिनेट करना है। और यकीन मानिए अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो ये स्वाद आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो हमने आपको जो बताया था सोयाबीन ठंडा करके लेना है, वो इसलिए बताया था अगर हम गर्म सोयाबीन में दही डालते तो दही फट जाता, फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, 15 मिनट के लिए इनको साइड पर रख देंगे, जिससे सोयाबीन अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगे, नमक और मसाले अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे। वापस से मैंने ले लिया कढ़ाई, डाल दिया है 2 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल, और मैंने यहाँ 3 बहुत बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, जिसको ऐसे लंबाई में कट कर लिया है। मेरे पास ये जो पिंक पर्पल टाइप का प्याज होता है ये था, आपके पास व्हाइट होगा वो भी चलेगा, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। इनको हमें हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इनको भी फ्राई नहीं करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसको भी हल्का फ्राई करना है। और आप देख सकते हैं लाजवाब कलर आ चुका है हमारी प्याज में। तो बस इतना भर तक हमें इसको फ्राई करना था। प्याज को हम तुरंत से प्लेट में बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई से, क्योंकि प्याज बहुत जल्दी जलने लगता है। तो प्याज हमारा एकदम ठंडा हो चुका है, इसको भी हमें अच्छे से ठंडा करने के बाद ही यूज़ करना है। तो प्याज अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो मैंने इसको एक मिक्सी के जार में फटाफट से ट्रांसफ़र कर लिया है, और बिना पानी डाले हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि प्याज में इतना मॉइस्चर होता है कि उसका एक अच्छा फाइन पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा।
तो मैंने इसका एक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लिया। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो मैंने यहाँ ले लिया है कढ़ाई, उसमें ऐड कर दिया सरसों का तेल 2 से 3 चम्मच। यहाँ ऐड कर रही हूँ कुछ खड़े मसाले, 1 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च और जीरा। जब सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी, सारे खड़े मसाले, तो मैं यहाँ ऐड कर दूंगी 4 से 5 हरी मिर्च, जिनको मैंने एकदम फाइन चॉप कर लिया है। आप हरी मिर्च अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं, कम तीखा खाते हैं तो कम कर लीजिए, ज़्यादा खाते हैं तो बढ़ा सकते हैं। और साथ ही ऐड कर देंगे पेस्ट, जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था वो प्याज हम यहाँ ऐड कर देंगे। इसको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हमने प्याज को भून के फिर उसका पेस्ट बनाया था, तो हमें इसको बस 10-15 सेकेंड के लिए ही फ्राई करना है। 10-15 सेकेंड में ये अच्छे से फ्राई हो गया और सोयाबीन भी हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, तो सोयाबीन यहाँ ऐड कर देंगे। और आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। तो सोयाबीन को 10 से 15 सेकेंड के लिए मसालों के साथ भून लेंगे। और अब ऐड कर देंगे हम यहाँ पे पानी, जो मिक्सिंग बाउल में हमने सोयाबीन मैरिनेट किया था उसमें जो मसाला लगा रह गया था उसको वेस्ट नहीं करेंगे, उसी में पानी डाल के हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि इस सब्ज़ी में कम ग्रेवी ही अच्छी लगती है। फिर अगर आप ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से बैलेंस कर लीजिए। यहाँ मैंने ऐड कर दिया है पानी और इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो इसमें पहले आने देंगे एक उबाल, हल्का सा किनारों पे आप देख सकते हैं हल्का उबाल आने लगा है, तो इसको हम कर देंगे कवर। कवर करके हम इसको 4 मिनट तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और हमने इसको पका लिया, और आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी ऑलमोस्ट बनने वाली है। इतनी टेम्पटिंग हमारी सब्ज़ी लग रही है देखने में। और अब मैंने इसको धीमी गैस पे थोड़ी देर पकने दिया है 2 से 3 मिनट, और आप देख सकते हैं सब्ज़ी ने किनारों पे तेल छोड़ दिया है, यानी कि हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। और अब हम इस सब्ज़ी में ऐड कर देंगे एक लास्ट इंग्रेडिएंट, उसके बाद कुछ ऐड नहीं करना है। अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे गरम मसाला। गरम मसाला हम बिल्कुल एंड में ही ऐड करते हैं, जिससे उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया है। गरम मसाला डाल के सब्ज़ी को अच्छे से मिला देंगे। सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, तो अब हम यहाँ ऐड कर देंगे हरा धनिया, क्योंकि इसके बिना तो भाई सब्ज़ी अधूरी रहती है, और हरा धनिया पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो हरा धनिया ऐड करने के साथ ही साथ हमारी सब्ज़ी बनके हो चुकी है तैयार। तो आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब लग रही है, लग रहा है ना कि बस एक चम्मच ही मिल जाए मुझे। तो हमारी लाजवाब सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो कर लेते हैं इसको फटाफट से सर्व। मैंने तो इसको सर्व कर लिया है। अगर आप चाहते हैं चावल के साथ तो चावल के साथ सर्व कीजिए, आप रोटी के साथ चाहते हैं तो रोटी के साथ सर्व कीजिए। सब्ज़ी हर किसी के साथ बहुत अच्छी लगती है। एक बार मेरे तरीके से सोयाबीन ज़रूर बना के देखिएगा, आपके घर में सबको ज़रूर से पसंद आएगा, क्योंकि ये इतना टेस्टी बनता है। वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।